भाई विकास, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको सोशल साइंस के मॉडल सेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। मैंने इसमें जो 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से जाकर वो भी वीडियो देख लें। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें देता हूं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हमें लगता है 95% पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ताकि हम हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। दोस्तों, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया था, अगला एक किस्मत से सॉल्व ऐसे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूँ जो हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर आप हमें सासाराम नगर का विकास कमेंट बॉक्स में बताए कब हुआ था। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का नाम दोस्तों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में रज्जू मार्ग है। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना हिमालय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है। तो दोस्तों, कांवर झील स्थित बेगूसराय जिला में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम भी बेगूसराय जिला में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, तो वो पटना में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें, जो सड़कों का वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, विकसित। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के का केंद्रीय बैंक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोयला। ऐसे आपको लगता होगा कि सभी मुख्य है, लेकिन ऊर्जा का मुख्य रूप से कोयला स्रोत है। अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। आपका अगर थम्सअप पीते होंगे कभी तो ऊपर में लिखा होगा कोका, देख लीजिएगा, ये देखने की चीज़ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे वाट से अधिक हानि होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी हो जाएगा, फसल को भी होता है, भवन का भी क्षति होता है और पशुओं को भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। अधिक बार देखते होंगे केबल टूट जाता है। अगला प्रश्न है,
आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप अगर प्राथमिक उपचार कहें तो अस्पताल ही पहुँचाइए, क्योंकि आप ठंडा पानी डालेंगे तो उससे और लहर मारता है, जो इसका सेंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक केंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, अधिक केंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भी एक मानव जनित आपदा है, आपदाओं के बाद भी महामारी भी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।